बहुत सारे लोगों को अलग अलग काइंड के बिहेवियर्स आते हैं। आपको, मुझे या औरों को, सबको अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स आते हैं। बट कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आप चीज़ों को डिले करते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर में करूँगा या कल करूँगा, उस तरीके से। एडिक्शंस, चाहे वो स्मोकिंग का एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग्स का एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रिंकिंग का हो। एंगर, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर। कुछ अच्छे बिहेवियर्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स कह लें, या जो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। इस टाइप के बिहेवियर्स से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड इट। हमारी बॉडी जो भी बिहेवियर दिखा रही है, आप जिस भी बिहेवियर को कह रहे हो कि इससे मैं परेशान हूँ, उसके पीछे भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन छुपी हुई है। हमारी बॉडी ऐसे ही कुछ नहीं करती है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उसकी पॉजिटिव मंशा है। वो आपको मे भी कुछ बताना चाहती है, आपसे कुछ कराना चाहती है, जिसके कारण उसने ये बिहेवियर आपको दिया है। दोस्तों, हमारी बॉडी जब भी कोई काम करती है, जैसे कि इवन बीमारी जब देती है, तो उसके पीछे भी पॉजिटिव कारण होते हैं। वो बताना चाह रही होती है आपको कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, बेटा इसे जल्दी ठीक कर ले। जैसे कि आपको सर दर्द दिया, तो क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये दर्द क्यों आया और मुझे अब टेबलेट ले लेनी चाहिए, इसको दबा लेना चाहिए। लेकिन आपकी बॉडी बता रही है आपको कि अंदर मे बी थॉट लेवल पर, मे बी माइंड लेवल पर, या कहीं बॉडी लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने या तो गलत सोचा है, या गलत जगह गए हैं, या जो भी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके कारण ये बिहेवियर आपको दिखाया जा रहा है। सो बॉडी चाह रही है उस बिहेवियर को, जो उसके पीछे जो कुछ भी कॉज है, उसको ठीक करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिम्टम को दबा दे रहे हो। जब वो सिम्टम को दबाते हो और बार बार ऐसा कर रहे हो, बॉडी कुछ और देती है फिर आपको। मे बी कोई और बड़ी प्रॉब्लम दे देगी आपको, स्टोन दे दिया, कोई अल्सर दे दिया, कि ऐसे तो ये बाज नहीं आएगा, ये दूसरी चीज़ दे देता हूँ इसको। और जब दूसरी चीज़ देती है, आप उसको भी ऑपरेट कराते हो, कभी कुछ कराने में लग जाते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके पीछे एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। क्या मैं अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कैसे मेरे थॉट्स चल रहे हैं, या मैं बहुत महीनों सालों से किसी चीज़ के बारे में परेशान हूँ, तंग आया हुआ हूँ, मैं इस ज़िंदगी से मुक्ति चाह रहा हूँ, अंदर अंदर क्या है वो ऐसा। सो वो सारी चीज़ एनालाइज करने की होती हैं, जिनके कारण ये बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपको आ रही हैं, या बॉडी दिखा रही है। वो एक्चुअल में आपका भला चाह रही है, वो चाहती है कि आप जल्दी से उसे ठीक कर लें। जो एक्चुअल कारण है, जो कॉज है, जो रूट कॉज है, उसको हम ठीक कर लें। और हम हैं कि सिम्टम्स पर काम करते रहते हैं, उन्हें दबाते रहते हैं। सो दोस्तों, जो भी ये बिहेवियर्स आपको आ रहे हैं, उन बिहेवियर्स के पीछे आपकी कोई ना कोई बॉडी की पॉजिटिव इंटेंशन है। उसे जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या उसका एक्चुअल मंशा है। उस मंशा को जैसे ही आप पकड़ लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के रास्ते पर आ जाएगी। क्योंकि आपको पता लग चुका है कि ये है इसकी मंशा, तो ये मंशा अगर दिखा रहा है, तो इसको मैं कहां से और पूरा करूं। जैसे कि कोई स्मोकिंग कर रहा होता है, या ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई भी मतलब एडिक्शंस है, तो स्मोकिंग अगर जैसे बंदा करता है, तो उसे या तो उससे रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा लोग ऑफिस में या कोई बहुत सारा काम कर रहे हैं, बीच में चले जाते हैं, चले यार एक सुट्टा मार के आते हैं, एक स्मोक करके आते हैं, और उन्हें लगता है कि अब सिगरेट पीने के बाद अब वो रिलैक्स्ड हैं, अब वो स्ट्रेस से मुक्ति मिल रही है, या कम हो रहा है वो। एक दूसरा भी हो सकता है,
जो कि टशन मारने के लिए, स्टाइल मारने के लिए कॉलेज में है, स्टूडेंट्स होते हैं जैसे सिगरेट पी रहा है लड़कियों को दिखाने के लिए, वो हीरो समझता है अपने आप को, माचो वाली फीलिंग को जनरेट करना चाहता है, उसे लगता है कि सिग्निफिकेंस मिल रही है मुझे, तो या तो रिलीफ मिल रही है या सिग्निफिकेंस मिल रही है। सो बैकग्राउंड में आपकी बॉडी, जब सालों बाद जब आप ये करते चले गए, अब आपकी बॉडी को लगता है कि इससे रिलीफ मिलती है इस पर्सन को, तो जब भी आप स्ट्रेस में होंगे वो कहेगा चलो जाके स्मोक करो, कि जब आपको सिग्निफिकेंस चाहिएगी वो कहेगी स्मोक कर। तो बैकग्राउंड में जो हमारी बॉडी की मंशा है वो अच्छी ही है, वो तो आपको रिलीफ देना चाहती है, लेकिन आपने उसे गलत रास्ता दिखाया हुआ है कि स्मोक करने से रिलीफ मिलता है। तो गड़बड़ वहां हो गई जो आपने रास्ता दिखाया। सो अब हमें क्या करना है, जब भी आप किसी भी बिहेवियर का शिकार हैं, मे बी चाहे वो ओवर ईटिंग हो, किसी चीज का भी एडिक्शन है, जो मैं एडिक्शन सिर्फ ये आपको सिगरेट के, दारू के या कोई आपके ड्रग्स के ही नहीं, खाने का भी एडिक्शन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका बॉडी ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, उसके पीछे उसकी पॉजिटिव मंशा क्या है। उसके लिए आपको अपने साथ बैठना होगा कुछ देर, शांति में बिल्कुल आपको बैठना है और अपने आप अपने ऊपर फोकस करना है और एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड दिस बिहेवियर। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या है वो पॉजिटिव मंशा मेरी बॉडी की कि मुझे ये बिहेवियर मिल रहा है। अगर आप बार बार डिप्रेशन में चले जाते हो, अगर आप ओसीडी के कारण बार बार हाथ धो रहे हो या बार बार अपने घर को क्लीन कर रहे हो या ओवर ईटिंग कर रहे हो या ड्रिंकिंग कर रहे हो या ड्रग्स में फंसे हो या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, चीज़ों को डिले करते हो, कोई भी बिहेवियर हो, आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि ये जो बिहेवियर मुझे आ रहा है इसके पीछे मेरी बॉडी, तेरी पॉजिटिव मंशा क्या है, क्या है तेरी पॉजिटिव इंटेंशन, क्या दे रही है तू मुझे इसके साथ। कि जब मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं तो तू मुझे क्या और दे रही है। मे भी हो सकता है कि आप अपने आप को ही किसी चीज को पाने के लिए वर्दी नहीं समझते, मतलब आपको लगता ही नहीं है कि मैं ये चीज पाने के लायक हूं, या आपने में भी पास्ट में ऐसा कई बार ऐसा सोचा है तो वो बिहेवियर बन गया। जब आप ऐसा सोचते हो तो अब आपकी बॉडी प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको ले जाती है कि ठीक है मैं इसको ये काम करने ही नहीं देती, ताकि वो फीलिंग ही ना आए, अनवर्दी जो फीलिंग आपको आती है बार बार, कि जिसके कारण आपको लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, उस फीलिंग, क्योंकि उस फीलिंग में बहुत पेन है बॉडी को, सो वो चाहती है कि वो फीलिंग आए ही ना, तो इसके कारण वो प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको ले जाते कि मैं करूंगा ही नहीं तो आएगी कैसे, उसको डिले करते रहते हैं। तो डिफरेंट आपकी जो बिहेवियर है, हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई डिफरेंट आपकी बॉडी की पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है, तो उसे जानने की कोशिश करें और पता लगाएं कि क्यों ऐसा बिहेवियर आ रहा है। हो सकता है कहीं बचपन से शुरू हुआ था वो, या अभी कुछ सालों से आ रहा हो, कोई भी कारण हो सकता है, आप अपने कारण का पता लगाएं। और जब आपको कारण मिल गया हो कि ओके ये है जो मुझे, ये जो मेरी बॉडी पाना चाह रही है एक्चुअल में, जैसे कि हमने कहा स्मोकिंग से रिलीफ पाती है या प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको वर्थलेस फील करने से दूर रखना चाहती है, जो भी कारण है आपका अपना, अब उस कारण को मैं किसी और तरीके से कैसे पा सकता हूँ, क्योंकि बॉडी तो चाहती है आप रिलीफ में रहें, तो मैं किस और तरीके से रिलीफ को पा सकता हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता मैंने बॉडी को दिखाया हुआ कि स्मोकिंग कर और रिलीफ मिल जाएगा, ये तो सही नहीं है, ये मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है। मेरा कॉन्शियस माइंड ये जानता है, बट मेरा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि मेरी बॉडी को ये हार्मफुल है। सो आप अब उसे एक अलग रास्ता दिखाएं कि यहां तक पहुंचना ही है, अगर तुझे रिलीफ तक पहुंचना ही है तो ये रास्ता ना लेकर दूसरा रास्ता ले ले।
वो दूसरा रास्ता आपको सजेस्ट करना होगा, ताकि आपकी बॉडी को रिलीफ भी मिल जाए, आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाए और आपका काम भी बन जाए। ये कर लेंगे तो दोबारा आप सिगरेट को टच नहीं करेंगे, दोबारा आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, दोबारा आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आपकी जो बैड बिहेवियर्स आपको जो लगते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होते चले जाएंगे।